बड़ी खबर कानपुर से है। कानपुर एसटीएफ और कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध शराब की 200 पेटियां पकड़ी गई हैं। यूरिया और खाद में छिपाकर ये शराब लाई जा रही थी। कन्नौज से कानपुर आ रही थी अवैध शराब की पेटियां। दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो कानपुर एसटीएफ और कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध शराब की 200 पेटियां पकड़ी गई हैं। यूरिया और खाद में छिपाकर इन्हें ले जाया जा रहा था। कन्नौज से कानपुर आ रही थी अवैध शराब की पेटियां। दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। तो कानपुर एसटीएफ और कल्याणपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 200 पेटियां अवैध शराब की पकड़ी गई हैं। यूरिया और खाद में छिपा कर इस शराब को ले जाया जा रहा था, लेकिन इसे पकड़ा गया और पुलिस इस पूरे मामले पर अब कानूनी कार्रवाई कर रही है। वही रायबरेली में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। छात्रों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि छात्र एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। सभी छात्र कोचिंग पढ़ने आए थे, इसी दौरान किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हुआ। शहर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज चौराहे की ये पूरी घटना है। देखिए, इन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रायबरेली की तस्वीर है जहां पर आपस में छात्रों के दो गुट भिड़ गए। छात्रों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे छात्र एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। सभी छात्र कोचिंग में पढ़ने आए थे, इसी दौरान किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हो गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज चौराहे की ये पूरी घटना है जहां पर दो छात्र गुटों में जमकर भिड़ंत हुई और काफी देर तक वहां पर हंगामा मचा रहा। और अब बात करते हैं रायबरेली की, जहां से खबर आ रही है। यहां पर बाइक और साइकिल सवार छात्रा को बचाने के चक्कर में एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। हालांकि पिकअप चालक और बाइक सवार बाल बाल बच गए। हादसे की सूचना के बाद एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और बाधित हाईवे को खुलवाने की कोशिश की गई। लखनऊ प्रयागराज हाईवे ओवर ब्रिज पर यह हादसा हुआ है। तो देखिए किस तरीके से पिकअप पलट गई और बताया जा रहा है कि बाइक को बचाने के चक्कर में यह हादसा हो गया। लखनऊ प्रयागराज जो रूट है वहां के फ्लाईओवर पर घटना हुई और चूंकि फ्लाईओवर पर यह पिकअप पलटी थी, ऐसे में जाम की स्थिति बनी। उसके बाद फौरन एनएचएआई के जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे और जो परिवहन था उसको सामान्य करने की कोशिश की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।